दिल्ली मेट्रो या मुंबई लोकल, देखते हैं कौन सी बेटर है। दिल्ली मेट्रो की गेट तो भाई खुद ही खुल जाती है और खुद ही बंद हो जाती है भाई, इधर गेट का भी टेंशन नहीं, कभी भी उतर सकते हैं और बैठ सकते हैं। और भाई पूरी मेट्रो में एसी होता है ताकि आप कंफर्टेबली ट्रैवल कर पाओ। एसी तो नहीं होता यहाँ पर, बट दरवाजे खुले होने की वजह से मुझे लगता नहीं एसी की जरूरत पड़ती है, बट एक दो में अभी तो आ गए हैं। और सिक्योरिटी की बात करें तो इतनी अच्छी सिक्योरिटी होती है कि भाई मुझे वीडियो भी रिकॉर्ड करने से मना कर दिया था। तो यहाँ से सीधा आना है आपको और यहाँ से नीचे जाना है, तो यहाँ पर सिक्योरिटी का कोई मामला ही नहीं है, डायरेक्ट आप बैठ सकते हो ट्रेन में। और अगर प्राइस की बात करें तो दिल्ली मेट्रो थोड़ी सी महंगी है, नोएडा से द्वारका जाने तक मुझे 60 रुपए लग गए थे, फुल हवा भी है, और बोरेली से चर्चगेट सिर्फ 15 रुपए में। और अगर टिकट की बात की जाए तो वेंडिंग मशीन होते हैं टिकट लेने के लिए, बस आपको खुले पैसे रखने पड़ेंगे। यूटीएस ऐप से आप डायरेक्टली टिकट ऑनलाइन ले सकते हो, तो लाइन में खड़े होने की तो झंझट ही नहीं है। आप कमेंट में बताओ आपको कौन सी वाली बेटर लगी, और ऐसे ही वीडियोस के लिए फॉलो कर लो क्विक बिट्स और ब्रेन कप।